फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड ज्योति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटल वर्ल्ड एंड ब्यूटी टच। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैंने मीशो से ज्वेलरी मंगाई थी, वो मैं आज आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ज्वेलरी मंगाई थी जो कि मतलब जैसे कि कहीं से भी हम ज्वेलरी मंगाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो पैक आती है, तो उस तरह से ये पैक आई हुई थी फ्रेंड्स। लेकिन ये किसी चीज़ में पैक नहीं थी, मतलब कोई बॉक्स में नहीं थी, सिर्फ ऐसी पैकेट में ये ज्वेलरी आई थी मेरे पास। तो कुछ ज़्यादा उन्होंने अच्छे से नहीं भेजी है ये, लेकिन इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड, मैंने ये चोकर मंगाया था, तो देखिए ये मैं अभी आपको इसको कैरी कर भी बताऊंगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये कांच लगे हुए हैं, मतलब कांच का वर्क है इसमें, और मोती हैं, सिल्वर कलर के कांच लगे हुए हैं और मोती लगे हुए हैं। उसमें ये जो नीचे डिज़ाइन दी हुई है फ्रेंड, देखिए लटकने वाली है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और जब आप इसको ही कैरी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है फ्रेंड्स। मैं अभी आपको कैरी कर भी बताऊंगी। और इसके साथ मुझे आए हैं इयररिंग्स आए हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह की इयररिंग्स हैं फ्रेंड्स इसके, और देखिए कितने शाइन मार रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं इसको कैरी कर बताऊँगी। और इसके साथ मुझे ब्रेसलेट भी मिला है, मतलब ये इस तरह से पैक था। मैं आपको तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रेसलेट भी आया हुआ है इसके साथ, और ये भी बहुत ही प्यारा लगता है जब आप इसको भी कैरी करते हैं अपनी पूरी ज्वेलरी के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें भी मोती और कांच का ही वर्क है, और बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है ये। और जब आप अगर पूरा पेयर मतलब पहनते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि जो इसकी इयररिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और मतलब बड़े हैं थोड़े से, लेकिन हाँ अच्छे लगते हैं जब हम साड़ी वगैरह या कोई भी ड्रेस के साथ इसको कैरी करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर मैं आपको कैरी करके बताऊंगी। और फ्रेंड्स, इसका मतलब बिल्कुल भी ये वर्क बिल्कुल चुभ नहीं रहे हैं, अच्छा है बहुत ही, और बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ही आपको मिल जाएगा मीशो से। अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अब मैं इसको आपको कैरी करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको कैरी करके बता रही हूँ आपको कि किस तरह का लग। और फ्रेंड्स, इसमें आपको पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें जो नीचे धागा दिया हुआ है मतलब इसको कैरी करने के लिए, तो वो आप अपने हाथ से आसानी से कैरी कर सकते हैं और बिल्कुल भी चुभेगा नहीं आपको ये। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे तरीके से ये, देखिए कितने अच्छे तरीके से कैरी हो गया। और अब मैं आपको इयररिंग्स भी बता रही हूँ कैरी करके, वो भी काफ़ी अच्छे हैं और बिल्कुल लाइट वेट है फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी वेट नहीं है कि आपको पहनने में भारी लगे। देखिए इयररिंग्स इसके अच्छे लग रहे हैं ना काफ़ी फ्रेंड्स। मैं दूसरा भी आपको कैरी करके बताती हूँ, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत ही लाइट वेट है, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इसकी मुझे ये लगेगी, लाइट वेट है। देखिए तो इस तरह से आप इसको कैरी कर सकते हैं। और ये जो ब्रेसलेट है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खुलने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके हाथ थोड़े से मोटे पतले कुछ तो कोई प्रॉब्लम हो, नहीं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये पहनने को, और जब आप मतलब तीनों चीज़ें एक साथ में पहनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। देखिए अच्छा दिख रहा है ना, मुझे तो अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आपको कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप जो फीडबैक देते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसी लग रही है चीज़ें, मेरा मेकअप कैसा लगता है, मेरी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और जो मैं रिव्यू लाती हूँ वो आपको कैसे लगते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कैसी लग रही है आपकी ज्वेलरी, और मुझ पर भी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। तो देखिए
आप भी ये ज्वेलरी मंगा सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। मेरे ख्याल से ये मुझे 120 का मिला था शायद, मुझे अच्छे से इसका प्राइस याद नहीं, और रैपर भी मैंने फेंक दिया तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप भी इसे मंगा सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छी लगती है ये। और जैसे कि आप ब्लैक या रेड कुछ पहनते हैं तो उस पर तो बहुत ही ज़्यादा खिलती है ये, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। तो फ्रेंड आपको रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरा न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।